हे गाइस, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस, आज डेट हो चुकी है 9th of July 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो है, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। इसका सीधा सीधा मतलब है गाइस कि खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए, और किसी दूसरों पर डिपेंड मत रहिए कि आप की जो सफलता है वो उन पर डिपेंड करती है। गाइस, खुद स्वनिर्भर बनिए और अपनी सफलता की ओर बढ़िए। ठीक गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन। गाइस, आज का पहला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में बोत्सवाना के ओकावंगा डेल्टा क्षेत्र में सैकड़ों हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई है। यह जो है ओकावंगा जो डेल्टा है, यह बोत्सवाना एक देश है, और ये बोत्सवाना देश कहाँ पर है, जिसका आंसर होगा, ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग है आज, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में यह बोत्सवाना देश है, और बोत्सवाना के ओकावांगा डेल्टा क्षेत्र में सैकड़ों हाथियों की रहस्यमय मौत हुई है। सैकड़ों हाथियों की अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 350 जो हाथी हैं, 350 हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई है। ठीक है गाइस, तो और अभी तक यह पता नहीं चला है कि किस वजह से यह मौत हुई है। तो गाइस, देख लेते हैं कि ओकावंगा जो बोत्सवाना जो देश है उसकी लोकेशन का क्या है अफ्रीका महाद्वीप में। तो गाइज, यह है अफ्रीका महाद्वीप, और इसके साउथ में देखिएगा, मैंने आपको जैसे कि बताया हुआ है, मैप देखने के बेसिक्स जो है, प्लस का निशान लगाइए और ऊपर लिखिए नॉर्थ, नीचे साइड में लिखिए ईस्ट, और नीचे लिखिए साउथ, और वेस्ट इस साइड लिखिए वेस्ट। तो गाइज, जो बोत्सवाना है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, साउथ में है, जो कि है यहाँ पर। बोत्सवाना जो देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, वो है यहाँ पर, यानी कि साउथ में। और गाइज, आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये कॉन्टिनेंट का नाम है अफ्रीका, कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, और अफ्रीका का ही एक देश है जो कि पड़ता है कहाँ पर, साउथ में, यानी कि जो बिल्कुल नीचे जो एक देश है, ये वाला जो है, ये बिल्कुल साउथ में है, और इसको बोला जाता है क्या, साउथ अफ्रीका। तो गाइज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि साउथ अफ्रीका क्या है और अफ्रीका क्या है। आपने अक्सर साउथ अफ्रीका का नाम अक्सर सुना होगा। तो गाइज, अफ्रीका क्या है, कॉन्टिनेंट, एंड साउथ अफ्रीका क्या है, एक देश है उसका, जो कि साउथ में पड़ता है और जो कि सबसे नीचे है। तो गाइज, आपको ये याद रखना है और कन्फ्यूजन नहीं रखनी है दिमाग में। तो गाइज, ये जो बोत्सवाना जो देश है, उसी के एक उसका क्षेत्र है ओकावांगा डेल्टा, डेल्टा है, और जहाँ पर इन हाथियों की रहस्यमय मौत हुई है, जिसका अभी कारण नहीं पता चला है। ठीक है, और जो बोत्सवाना देश है, इसके जो बॉर्डर लगते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, बॉर्डर्स हैं, वो किस किस देश के साथ लगती हैं, 3 देशों के साथ लगती हैं, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे और नामीबिया। गाइस, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये वाले देश और अंगोला के साथ भी इसकी बॉर्डर लाइन लगती है, लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं है, जो नामीबिया है उसकी बॉर्डर लाइन यहाँ तक लगती है, आप देख रहे होंगे मैप में, और यही केवल 3 जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं वो केवल इसके साथ लगती हैं। ठीक गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो बना है, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार 2019 एंड 20 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा कितना है। तो गाइज, व्यापार घाटा अब कम होने लगा है चीन के साथ हमारा। तो गाइज, इसका आंसर होगा 48.66 बिलियन। तो गाइज, अब जो हम उसके ये व्यापार घाटा क्या होता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बीच का जो अंतर होता है उसको कहते हैं व्यापार घाटा, यानी कि आयात और निर्यात के बीच का जो अंतर होता है, अंतर, इसको अंतर को बहुत ध्यान से देखना गाइस, जो आयात और निर्यात के बीच जो अंतर होता है वो होता है क्या, व्यापार घाटा। और व्यापार घाटा कितना है, यानी कि हम उसके साथ आयात कर रहे हैं 65.26 बिलियन डॉलर का, जो हम उसके साथ आयात कर रहे हैं, हम उससे सामान मंगाते हैं, और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि भेजते हैं उसको क्या है, वो है 16.6 बिलियन डॉलर का सामान बेचते हैं। तो गाइज, ये घाटा कम होता जा रहा है, जो कि अच्छी बात है, और यह इन दोनों के बीच का जो
अंतर होता है वो होता है व्यापार घाटा। तो गाइज ये हमारा 48.66 बिलियन डॉलर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, आषाढ़ पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर धर्म चक्र दिवस मनाया जाएगा। आषाढ़ पूर्णिमा किस धर्म से संबंधित है? तो गाइज इसका आंसर है बौद्ध। बौद्ध धर्म का जो अभी हमने गुरु पूर्णिमा जो बनाई है उसी उसी के उपलक्ष्य में धर्म चक्र दिवस मनाया जाएगा। धर्म चक्र दिवस मनाया जाएगा ऐसा सरकार ने फैसला लिया है। तो गाइज ये एक मिनिस्ट्री के लिए मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया है, जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये फैसला लिया है, और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टनरशिप है जिसकी, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ ऐसा यह समझौता हुआ है। ठीक गाइस, तो उस दिन धर्मचक्र दिवस बनाया जाएगा आज के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में भारत ने एलपीजी गैस कारोबार के लिए किस देश के साथ संयुक्त उद्यम शुरू किया है? तो गाइस जिसका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत सरकार ने एलपीजी गैस कारोबार के लिए जो है उद्यम संयुक्त उद्यम शुरू किया है गाइस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन किसने शुरू किया है? तो गाइस जिसका आंसर होगा गाइस संयुक्त राष्ट्रीय महासभा। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा जिसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में यूएनजीए बोलते हैं, यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा इसको शॉर्ट में उंगा भी बोला जाता है। तो इसकी 74th बैठक में मीटिंग में यह फैसला लिया गया है, क्या, गरीबी उन्मूलन की गठबंधन, ठीक है, के लिए। तो गाइस अब कोरोना को देखते हुए कि कोरोना से जो सबकी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही धंसते जा रही हैं, तो इस वजह से यह फैसला लिया गया है। ठीक गाइस, तो आपको याद रखना है कि उंगा की जो, और यह जो गरीबी उन्मूलन है ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है एसटीजी, एसटीजी प्लान के अंतर्गत, जिसमें कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, और जिसकी डेट कब से कब तक है, जो एक्टिव रहेगा 2015 से 30 तक। एसटीजी आपको पता होगा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके अंतर्गत ही क्या आता है, गरीबी उन्मूलन, यानी कि जिसका पहला गोल है। ये कुछ गोल्स हैं, 17 गोल हैं जो 2015 से 2030 तक अचीव करने हैं। और गाइस जिसका पहला ही जो गोल है गरीबी, गरीबी हटाओ, यह जो है एसडीजी का पहला ही गोल है। तो गाइस ये टोटल 17 गोल्स हैं। ठीक गाइस, और जो इसके जो उंगा यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, आपको याद रखनी है क्योंकि अब न्यूज़ में है, तो मोहम्मद बंदे जो हैं, मोहम्मद बंदे इसके प्रेसिडेंट हैं। और गए साथ ही आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कि जो यूएन के वो जो एंटोनियो गुटेरस हैं, एंटोनियो गुटेरस जो हैं वो जो हैं यूएन के, जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल हैं कौन, एंटोनियो, और जो मोहम्मद बंदे हैं ये हैं महासभा के यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, वो हैं प्रेसिडेंट, और जो जो एंटोनियो गुटेरेस हैं वो कौन है, सेक्रेटरी जनरल हैं। गाइस इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है। ठीक गाइस, तो क्वेश्चन 6 बनता है, हाल ही में नागालैंड के किस जिले में स्कॉच पुरस्कार जीता है? गाइस जिसका आंसर होगा मौन। यह 65th स्कॉच पुरस्कार जीतने वाला जिला बना है, कहाँ का है, नागालैंड का है। ठीक है गाइस, इसका ये जो पुरस्कार दिया क्यों जाता है आपको याद रखना है कि यह पुरस्कार दिया जाता है किस वजह से, कि जो नागालैंड है उसने सभी को इस तरीके से सुख सुविधा दी है कोरोना पीरियड में कि सबको आर्थिक लाभ मिले, कोई भी ना छूटे, यानी कि लाइन में खड़ा हो कोई भी बंदा ना छूट पाए, सबको आर्थिक जो सरकार लाभ मुहैया कराती है वो सबको सबको मिले, कोई भी ना बंदा छूटे उसमें। ठीक है, तो भाई इसके ये स्कॉच अवार्ड जो है इस वजह से मिलता है, जो आपको याद रखना है, 65th स्कॉच अवार्ड है जो मिला है मौन को, यानी कि नागालैंड का जो जिला है मौन।
ठीक है गाइस, तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस, जिसका आंसर होगा रविंद्र भाकर जी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, रविंद्र भाकर जी। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, आपको याद रखनी है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 17 दिनों का पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? गैस, आपको याद रखना है दिल्ली में, दिल्ली में पौधे लगाओ और पर्यावरण बचाओ 17 दिन का अभियान शुरू किया है। तो कब से कब तक होगा ये अभियान? एक्टिव रहेगा 10 जुलाई से 26 जुलाई तक यह जो अभियान है ये एक्टिव रहेगा। अब क्योंकि मानसून का सीज़न आने वाला है और इस वजह से पौधे काफ़ी ग्रोथ करते हैं मानसून के सीज़न में, तो इसलिए ये अभियान अब से शुरू किया जा रहा है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए पेड़ पौधों के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हथियारों के तत्काल अधिग्रहण के लिए कितना धन स्वीकृत किया है? गाइस, जिसका आंसर होगा 39,000 करोड़। जो धन स्वीकार किया है किसने? रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हथियारों के लिए। ठीक है गाइस, जिसमें जो 31,130 करोड़ जो धन है, जो जो धन है वो इंडिजीनियस हथियारों पर, इंडिजीनियस जो वेपन्स हैं उन पर खर्च किया जाएगा, और जो बचा हुआ शेष है वो रशिया पर खर्च किया जाएगा, वहाँ रशिया के वेपन्स मंगाए जाएंगे। गाइस, ये हमको याद रखना है, जो मेक इन इंडिया है उसके अंतर्गत जो हथियार बनाए गए हैं वो उन पर खर्च किया जाएगा कितना? 31,130 करोड़, और जो शेष बचा है वो रशिया से मंगाया जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में रूसी संविधान में हालिया संशोधन के अनुसार पुतिन कितने वर्ष तक राष्ट्रपति बने रहेंगे? तो गाइस, ये फॉर एवर एंड एवर ग्रीन जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो अब दोबारा से बने रहने वाले हैं, जो कब तक बने रहने वाले हैं? 2036 तक, 2036 तक जो व्लादिमीर पुतिन वहाँ के रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे वो 2036 तक अब राष्ट्रपति बने रहेंगे। पुतिन ने जो है, इन्होंने एक रेफरेंडम कराया था जनता से, रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह कराया था जनता से, और उसमें जनता ने इन्हें 78% इन्हें स्वीकारा, 78% लोगों ने इन्हें स्वीकारा और इनके सपोर्ट में वोट दिए, 78% लोगों ने इन्हें वोट दी। ठीक है गाइस, आपको याद रखना है व्लादिमीर पुतिन को। और रेफरेंडम क्या होता है, यानी कि जब यहाँ जब जब लोगों से डायरेक्टली उनके उनके मत पूछे जाएं, उनकी ओपिनियन पूछी जाए डायरेक्टली, तो वो होता है रेफरेंडम, और 78 लोगों ने उनको स्वीकारा है। और गाइस, रेफरेंडम जो है रशिया के संविधान में ही नहीं है, ये ऐसा ऐसा शब्द जो है रशिया के संविधान में ही नहीं है, लेकिन इन्होंने इनको रेफरेंडम फिर भी इन्होंने कराया है, और जिसके अंतर्गत इन्हें ही दोबारा से राष्ट्रपति बनने का मौका मिला है। ठीक है गाइस, और ये जो रेफरेंडम है ये कहाँ का कंसेप्ट है? यह है स्विट्जरलैंड, जो स्विट्जरलैंड के संविधान का कंसेप्ट है, जहाँ पर है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। स्विट्जरलैंड में दोस्तों आपको याद रखना है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ पर रेफरेंडम जैसी चीज़ें होती हैं, और वहाँ पर अक्सर लोगों से डायरेक्टली जो सरकार है वो डायरेक्टली उनके ओपिनियन लेती है, जिसके हिसाब से वो अपना कार्य करते हैं, अपना शासन चलाते हैं। तो गाइस, देख लेते हैं रशिया कहाँ पर है। रशिया है यहाँ पर, जो हमारा एवरग्रीन फ्रेंड है। तो गाइस, रशिया है ये आर्कटिक जो ओशन है वहाँ पर है, और गाइस ये कहाँ पर है? नॉर्थ पोल में, पोल में है। गाइस, आपके लिए, आपको इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। गाइस, आप देखिए, ये है रशिया, और रशिया यूरोप और एशिया दोनों में विभाजित है, दोनों में बटा हुआ है। क्या? रशिया, और जो रशिया है दोनों में विभाजित है, और इसको जो विभाजित करता है वो क्या करता है? यूरल माउंटेन। रशिया को याद रखना है दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, और यूरल जो माउंटेन है वो इसको विभाजित करता है किस किस में? यूरोप में और
कहाँ पर? एशिया में। तो गैस इसकी जो राजधानी है वो है मॉस्को, और मॉस्को कहाँ पर आपको दिख रही है, यानी कि ये है यूरोप, यूरोप कॉन्टिनेंट है और ये है एशिया। ठीक है गैस, तो यह है यूरोप को जो यूराल माउंटेन पर्वत श्रृंखला है, एक रेंज है उसको, ये जो वो रशिया को यूरोप और एशिया में विभाजित करता है। और जो इसकी राजधानी मॉस्को है उसमें, वो कहाँ पर है? यूरोप में है। और इसका अधिकतर जो पार्ट है रशिया का वो कहाँ पर है? एशिया में है। ठीक है गाइस, जो आपको याद रखना है यूराल माउंटेन तो आपको याद रखना ही है। ठीक है गाइस, तो चलिए ये थे हमारे आज के कंप्लीट क्वेश्चंस, और देखते हैं आज का क्वेश्चन जो आपसे पूछा था। हाल ही में सरकार ने किस कानून में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय स्तर समिति का गठन किया था? तो गाइस यह था अपराधी क्रिमिनल कानून में सुधार करने के लिए जो राष्ट्रीय स्तर समिति का गठन किया गया था। तो गाइस क्वेश्चन बनता है, ऑस्ट्रेलिया आने वाले देश में अपनी सैनिक क्षमता पर कितने, आने वाले दशक में अपनी सैनिक क्षमता पर कितना धन खर्च करेगा? जिसका आंसर आपको करना है गाइस कमेंट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।